नमस्कार दोस्तों, मैं रत्न सर आप सभी का श्री 91 में स्वागत करता हूं। और कैसे हैं दोस्तों आप? उम्मीद करता हूं आप सभी स्वस्थ होंगे, जहां भी होंगे मस्त। दोस्तों आज बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक लेकर आया हूं आपके सामने। जैसा कि आप जानते हैं कि अगर हमें परीक्षा में सफल होना है तो उसका एक ही सूत्र है, प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन। दोस्तों जितना ज़्यादा से ज़्यादा आप प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन सॉल्व करेंगे उतना ही आप सफलता के करीब पहुँचेंगे दोस्तों। तो इसलिए आप ज़्यादा से ज़्यादा प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन सॉल्व करें और अपना सफलता के करीब पहुँचें दोस्तों। तो दोस्तों आइए समय व्यस्त न करते हुए अपना सेशन स्टार्ट करते हैं। एक बार दोस्तों सेशन स्टार्ट करने से वीडियो ज़्यादा लाइक और शेयर कर दें तो और भी मज़ा आएगा दोस्तों। आइए स्टार्ट करते हैं दोस्तों अपना सेशन। दोस्तों ये आपके इम्पॉर्टेंट स्टडी 91 में इम्पॉर्टेंट बैचेस दिए गए हैं, जैसा कि आप देख रहे हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट है सारे बैचेस, हिंदी, यूपी टेट, सुपर टेट, यूपी पुलिस कांस्टेबल, पीसीएस, यूजीसी नेट, तो आप ले सकते हैं अगर आप इच्छुक हैं दोस्तों इसमें। आइए दोस्तों स्टार्ट करते हैं अपना पहला क्वेश्चन। पियाजे के अनुसार विकास की पहली अवस्था जन्म से लगभग 2 वर्ष आयु के दौरान बच्चा सबसे बेहतरीन सीखता है, कहाँ सीखता है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, आपके यूपी टेट में आया हुआ क्वेश्चन है, वेरी इंपॉर्टेंट यूपी टेट में दोस्तों आया हुआ क्वेश्चन है। बताएं क्या होगा? निष्क्रिय शब्दों को समझने के द्वारा, अमूर्त तरीकों अर्जित ज्ञान के अनुप्रयोग द्वारा, भाषा के नए अर्जित ज्ञान के अनुप्रयोग द्वारा, या इंद्रियों के प्रयोग द्वारा? जीन पियाजे के अनुसार दोस्तों जल्दी से बताएं दोस्तों, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, क्या होगा? बहुत बढ़िया, पियाजे के अनुसार विकास की पहली अवस्था जन्म से लगभग 2 वर्ष की है आयु दौरान बच्चा सबसे बेहतरीन सीखता है दोस्तों, क्या होगा? बहुत बढ़िया आंसर आ रहा है, बहुत ही बढ़िया, बिल्कुल सही दोस्तों, इंद्रियों के प्रयोग के द्वारा। किसके? इंद्रियों के प्रयोग के द्वारा दोस्तों, बहुत बढ़िया डी जिसने भी आंसर दिया। दोस्तों आपके जो जीन पियाजे चाचा थे, जीन पियाजे चाचा ने 4 अवस्थाएं बताई, बालक की कितनी अवस्था बताई? जीन पियाजे चाचा ने 4 अवस्थाएं बताई दोस्तों, कौन सी अवस्था बताई? 4 अवस्थाएं, कौन कौन सी अवस्था थी? पहली अवस्था थी संवेदी गामक अवस्था, क्या थी? संवेदी गामक अवस्था, संवेदी गामक अवस्था, संवेदी गामक अवस्था दोस्तों, संवेदी गामक अवस्था, संवेदी गामक अवस्था। दूसरी थी पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, दूसरी कौन सी थी? पूर्व संक्रियात्मक अवस्था। लिखते चलिए दोस्तों, जितना आप लिखेंगे उतना आपको याद होगा दोस्तों, जितना लिखेंगे उतना ही आपको याद होगा। तो जीन पियाजे ने अपनी 4 अवस्थाएं बताई थी बालक की, पहली संवेदी गामक अवस्था, दूसरी पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था दोस्तों, तीसरी थी मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, और चौथी थी दोस्तों औपचारिक अवस्था, या इसको अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था भी कहा जाता था। ये 4 अवस्थाएं इन्होंने बताई थी आपके जीन पियाजे चाचा, और इन्होंने हर अवस्था में बालक अपनी अपनी गतिविधियां करता है, जिसमें जैसा कि आपसे इसको एग्जाम इस क्वेश्चन में पूछा गया कि पियाजे के अनुसार विकास की पहली अवस्था यानी जन्म से लगभग 2 वर्ष मानी गई दोस्तों दौरान बच्चा सबसे बेहतरीन कहाँ सीखता है, कब सीखता है, किसके माध्यम सीखता है? तो इंद्रियों के प्रयोग के द्वारा सीखते हैं। इंद्रियां यानी कि हमारे दोस्तों नाक, कान, आंख, त्वचा, ये सब क्या है? हमारी इंद्रियां। जब हमारा जन्म होता है दोस्तों तो हम चीज़ों को किससे सीखते हैं? अपने देख के, आंखों के द्वारा, अपने स्पर्श के द्वारा, अपने कानों के द्वारा सुनते हैं बातों को, तब हम सीखते हैं दोस्तों। तो ये सब क्या है? हमारी ज्ञानेंद्रियां, तो इनके माध्यम से हम सीखते हैं, यही जीन पियाजे ने कहा था दोस्तों, ये इंद्रियों के द्वारा। तो ये इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है दोस्तों आपका, निम्नलिखित में से किस स्तर के दौरान कोई बालक केवल स्वयं के बारे में सोचता है, क्या सही है क्या गलत है दोस्तों, क्या सही है क्या क्या गलत है, क्या सही है क्या गलत है, इससे उसे कोई सरोकार नहीं रहता, क्या है दोस्तों? पूर्व नैतिक स्तर, परंपरागत नैतिक स्तर, उत्तर परंपरागत नैतिक स्तर, उपरोक्त में से कोई नहीं, कौन सी अवस्था होगी दोस्तों? वेरी इंपॉर्टेंट कर लीजिएगा दोस्तों, वेरी इंपॉर्टेंट, यूट्यूब पे क्या कहते हैं यूपी टेट में दोस्तों आया हुआ क्वेश्चन है आपका, यूपी टेट में आया हुआ क्वेश्चन है, जल्दी से आंसर दें, गलत नहीं होना चाहिए दोस्तों, किसी भी शेर का गलत नहीं होना चाहिए। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया दोस्तों, बहुत बढ़िया आंसर आ रहा है, बहुत बढ़िया, जल्दी से आंसर दें, कौन सा होगा दोस्तों? उपरोक्त में से कोई नहीं, उत्तर परंपरागत नैतिक स्तर,
वेरी गुड दोस्तों, बहुत बढ़िया आंसर आ रहा है, बहुत बढ़िया। पूर्ण नैतिक स्तर दोस्तों, ए इज द राइट आंसर। ए जिसने भी आंसर दिया बिल्कुल सही दिया, पूर्ण नैतिक स्तर। निम्नलिखित में से किस स्तर के दौरान कोई बालक केवल स्वयं के बारे में सोचता है, क्या सही है क्या गलत है, तो कोई सरोकार नहीं रहता, इससे कोई सरोकार नहीं रहता। यानी वह पूर्ण नैतिक स्तर है दोस्तों, जिसमें बालक अपने ही बारे में सोचता है और ये नहीं जानता कि क्या गलत है क्या सही है। वो कौन सा स्तर है? पूर्ण नैतिक स्तर। बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखिएगा दोस्तों, ठीक है। नेक्स्ट है, विचार न केवल भाषा को निर्धारित करते हैं बल्कि उसे आगे भी बढ़ाते हैं। यह विचार द्वारा रखा गया, जीन पियाजे द्वारा, कोहलबर्ग द्वारा, वाइगोस्की द्वारा या पावलोव द्वारा। दोस्तों क्या होगा? वेरी इंपॉर्टेंट दोस्तों, वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट है। यूपी टेट के एग्जाम में आपके पूछा गया क्वेश्चन है दोस्तों, यूपी टेट में पूछा गया है दोस्तों, सुपर टेट और सी टेट में भी आ सकता है। जैसा कि आप जानते हैं दोस्तों कि हमेशा जो आपका एग्जाम होता है, चाहे वो यूपी टेट हो, सुपर टेट हो या सी टेट हो, तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हमेशा रिपीटेड होते हैं दोस्तों। जैसा कि आपने अभी देखा होगा कि 2017 में दोस्तों सेम टू सेम क्वेश्चन वही आ गए थे आपके यूपी टेट में। दोस्तों हो सकता है कि इस बार भी यूपी टेट में ये सारे क्वेश्चन आ सकते हैं दोस्तों, क्योंकि दोस्तों जो भी क्वेश्चन मैं लाता हूँ वो सारे क्वेश्चन प्रीवियस ईयर क्वेश्चन या किसी न किसी एग्जाम में आपके पूछे गए होते हैं दोस्तों। तो इसलिए इन क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िएगा और ध्यान से उत्तर दीजिएगा। क्या होगा? विचार न केवल भाषा को निर्धारित करते हैं बल्कि उसे आगे भी बढ़ाते हैं। यह विचार द्वारा रखा गया, किसका? बहुत बढ़िया आंसर आ रहा है सभी का, वाइगोत्स्की दोस्तों, वाइगोत्स्की। भाषा की बात कही जाए दोस्तों, समाज की बात की जाए, तो आप जान लीजिए कि वहाँ पे वाइगोत्स्की महोदय की बात हो रही है। वाइगोत्स्की ने कहा कि बालक समाज के द्वारा ही सीखता है। बालक जो भी सीखता है किससे सीखता है? समाज से सीखता है दोस्तों। किससे सीखता है? समाज से सीखता है। और बालक में भाषा का जो विकास होता है वो समाज से अंतर क्रिया करके होता है दोस्तों। समाज के अंतर्गत में से, जैसे मैंने आपको बताया था, समाज के अंतर्गत हमारा परिवार आता है, हमारा आस पड़ोस आता है, हमारे दोस्त आते हैं, और हमारे विद्यालय आता है, हमारा मीडिया आता है। तो इनसे दोस्तों जब हम बातें करते हैं, बातचीत करते हैं, वार्तालाप करते हैं या विवाद करते हैं दोस्तों, तब हमारे भाषा का क्या होता है? विकास होता है। हम नई नई भाषाओं का ज्ञान होता है हमें, नई नई कल्चर्स का ज्ञान होता है। तो ये चीज़ें हैं दोस्तों। तो ये किसके थे? वाइगोत्स्की महोदय के थे। नेक्स्ट है आपके, ये दोस्तों सारी पुस्तकें दी गई हैं आपके लिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं सारी पुस्तकें। आप एक बार स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, फ्री डिलीवरी है दोस्तों। फ्री डिलीवरी है दोस्तों, अपनी हिंदी 299 वीडियो का 100 पेट कॉम्बो 300, सारी पुस्तकें बहुत इंपॉर्टेंट हैं, आप ले सकते हैं। कोई भी दिक्कत या परेशानी तो इस नंबर पर कॉल कर सकते हैं दोस्तों। नेक्स्ट है, वाइगोत्स्की के अनुसार किसी भी बालक के विकास में सबसे महत्वपूर्ण योगदान निम्न से किसका होता है? परिवार का, विद्यालय का, समाज का या धर्म का? अभी मैंने आपको बताया, और वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, कई बार ये क्वेश्चन पूछा गया है, वेरी इंपॉर्टेंट, कई बार यूपी टेट में पूछा गया है, कई बार सुपर टेट में पूछा गया है, और सी टेट में भी दोस्तों ये पूछा गया है। जल्दी से आंसर दें, क्या होगा? गलत नहीं होना चाहिए दोस्तों। वाइगोत्स्की के अनुसार किसी भी बालक के विकास में सबसे महत्वपूर्ण योगदान निम्न से किसका होता है? जल्दी से आंसर दें, गलत ना हो। बहुत बढ़िया आंसर आ रहा है, वेरी गुड, बहुत बढ़िया आंसर दे रहे हैं सारे बच्चे, क्या बात है, बहुत बढ़िया आंसर दे रहे हैं दोस्तों। वाइगोत्स्की के अनुसार बालक का विकास परिवार द्वारा नहीं होगा, विद्यालय द्वारा नहीं होगा, धर्म द्वारा नहीं, समाज के अंतर्गत। और समाज के अंतर्गत आपका परिवार भी आ गया, विद्यालय भी आ गया, धर्म भी आ गया, सारी चीजें आ गई आपके समाज के अंतर्गत। तो इस समाज से ही बालक क्या करता है? सीखता है दोस्तों, अधिगम करता है, अधिगम यानी कि लर्निंग, तो वो चीज है दोस्तों। तो सी इज द राइट आंसर, जिसने भी आंसर दिया बिल्कुल सही दिया। छिपी हुई वस्तु ढूंढ निकालना इस बात का संकेत है कि शिशु निम्नलिखित में से किस संज्ञानात्मक कार्य में दक्षता प्राप्त करने लगा है? सभी प्राय व्यवहार में, वस्तु स्थापित में, समस्या समाधान में, प्रयोग करना दोस्तों। क्या होगा? बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, वेरी इंपॉर्टेंट, कर लीजिएगा। यूपी टेट में आपके पूछा गया क्वेश्चन है, सुपर टेट में भी आ सकता है, बहुत अच्छा। जब आप छिपी हुई वस्तुओं को, जब बाल्यावस्था में आप लोग होते थे, कोई पापा मम्मी छिपा देता कोई वस्तु तो आप उसको ढूंढ लेते थे, तो वो कौन सी अवस्था थी? और संज्ञानात्मक काल में दक्षता प्राप्त करने लगा, तो क्या था दोस्तों, कौन सी वो था, उसे क्या कहेंगे आप? बहुत बढ़िया आंसर आ रहा है, बहुत बढ़िया, देखते हैं किसका सही है। अभिप्राय व्यवहार,
नहीं होगा सर, अभिप्राय नहीं, अभिप्राय व्यवहार होगा यहाँ पे, अभिप्राय व्यवहार ये नहीं होगा दोस्तों, समस्या समाधान नहीं होगा, प्रयोग करने में वस्तु स्थायित्व हो दोस्तों, क्या होगा वस्तु स्थायित्व, यानी दोस्तों जब बचपन में कोई भी चीज़ जैसे मोबाइल हो गया, रिमोट हो गया, कोई भी चीज़ जब हम बच्चों से यानी कि बच्चे से दूर रख दिया जाए, उसको कुछ देर आपने दे दिया मोबाइल तो वो चला रहा है कुछ देर, उसके बाद आप उस मोबाइल को छुपा कर रख देंगे तो बच्चा किसी भी तरह दोस्तों धीरे धीरे वो ढूंढ लेता है, तो वो चीज़ क्या होती है वस्तु स्थायित्व कहलाता है दोस्तों, ठीक है। नेक्स्ट है वाइगोत्स्की के सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत के अनुसार संस्कृति और भाषा विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, बच्चे अलग क्षेत्र चिंतन करते हैं और वे पूर्ण परिप्रेक्ष्य नहीं लेते हैं, यदि निम्न आयु पर अमूर्त सामग्री को प्रस्तुत किया जाए तो बच्चे अमूर्त तरीके से चिंतन करते हैं, स्वनिर्देशित वाक् सहयोग निम्न दोस्तों, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट, टेट और सी टेट में आया है क्वेश्चन, बहुत बढ़िया, जल्दी से आंसर दे दोस्तों क्या होगा, गलत नहीं होना चाहिए दोस्तों। वाइगोत्स्की के सामाजिक संस्कृति सिद्धांत के अनुसार दोस्तों जल्दी से आंसर दे, क्या होगा जल्दी से आंसर दे, बहुत बढ़िया दोस्तों, वाइगोत्स्की के सामाजिक संस्कृति सिद्धांत के अनुसार संस्कृति और भाषा विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, संस्कृति और किसमें दोस्तों भाषा विकास में बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है, ए इज द राइट आंसर, बहुत बढ़िया, वाइगोत्स्की सामाजिक संस्कृति में संस्कृति और भाषा विकास में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है, ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है आपका ये दोस्तों वीडियो ग्राम विकास अधिकारी नया बैच प्रारंभ आपका महाबजट ऑफर में मात्र 1299 रुपये में ये बैच आप ले सकते हैं, अगर आप वीडियो की तैयारी कर रहे हैं दोस्तों तो आपके लिए बहुत ही लाभकारी होगा ये बैच। नेक्स्ट दोस्तों मैंने एक बच्चे को एक अवधारणा समझाने का प्रयास किया, वह इसे नहीं समझ पाया, परंतु कुछ वर्ष बाद जब उसी बच्चे को इस अवधारणा को समझाने का प्रयास किया गया तो बच्चा तुरंत समझ गया, ऐसा होने का कारण क्या है, अभ्यास संयोग परिपक्वता अधिगम प्रयास, ये आपके सीटेट में पूछा गया क्वेश्चन है दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यूपी टेट में भी पूछा जा सकता है और सुपर टेट में भी, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, जल्दी से आंसर दें, गलत नहीं होना चाहिए किसी भी बच्चे का, मेरे गलत नहीं होना चाहिए, क्या होगा कुछ वर्ष बाद जब उसी बच्चे को इस अवधारणा को समझाने का प्रयास किया गया तो बच्चा तुरंत समझ गया, ऐसा होने का कारण क्या है, अभ्यास नहीं होगा, संयोग नहीं होगा, अधिक अभ्यास नहीं, परिपक्वता दोस्तों मैच्योरिटी आ गई है बालक के अंदर, क्या आ गई है मैच्योरिटी आ गई है, बालक अब परिपक्व हो गया है, यानी वह कुछ वर्ष बाद जब उसी बच्चे को इस अवधारणा को समझाने का प्रयास किया गया तो बच्चा तुरंत समझ गया दोस्तों, वह चीज़ों को अब तुरंत समझ जा रहा है, यानी कि वो मैच्योर हो चुका है, तो ये चीज़ होगा परिपक्वता दोस्तों, सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है निम्न में से उपलब्धि और प्रेरणा किन लोगों ने कमा किया है, निम्न में से उपलब्धि और प्रेरणा पर किन लोगों ने काम किया है दोस्तों, फ्राइड व यंग ने, मैगलेट एवं मेडिक्सन ने, मैस्लो एवं मैकडूगल ने, मिलर एवं डॉल, ये आपके यूपी टेट में पूछा गया क्वेश्चन है दोस्तों, जल्दी से आंसर दे, देखते हैं कौन सा वीर देता है, सुपर टेट में भी आ सकता है और सी टेट में भी आ सकता है, जल्दी से आंसर दे, देखते हैं कौन सा शेर देता है इसका आंसर, उपलब्धि और प्रेरणा पर किन लोगों ने काम किया है, बहुत बढ़िया आंसर आ रहा है, बहुत बढ़िया, कुछ बच्चे बता पा रहे हैं कुछ बच्चे कंफ्यूज हैं दोस्तों, क्या होगा मैगलेन लैंड एवं रिडिक्शन दोस्तों, बी इज द राइट आंसर, बी आंसर आपने दिया बिल्कुल सही आंसर दिया, बी इज द राइट आंसर, बिल्कुल सही। नेक्स्ट है दोस्तों शिक्षा की प्रक्रिया में प्रेरणा का महत्व है, इस बात को ध्यान में रखें तो अध्यापकों को निम्न से कौन सा कार्य नहीं करना चाहिए, ध्यान रखिएगा नहीं करना चाहिए, क्वेश्चन पूछ रहा है दोस्तों नहीं करना चाहिए, कार्य के लक्ष्य को स्पष्ट करना, शिक्षार्थी को सामाजिक कार्यों में भाग लेने का अवसर प्रदान करना, इनामों का प्रलोभन देकर बालक में प्रतिबद्धता पैदा करना, बालक में अपने कार्य में सफल होने के अवसर प्रदान करना, क्या होगा इसका आंसर, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जल्दी से सभी बच्चे आंसर दें, क्या होगा, शिक्षा की प्रक्रिया में प्रेरणा का महत्व क्या है, इस बात को ध्यान में रखें तो अध्यापक को नियम से कौन सा कार्य नहीं करना चाहिए,
दोस्तों नहीं करना चाहिए। इनामों का प्रलोभन देकर बालकों में प्रतिद्वंद्विता पैदा करना, ये कभी भी किसी टीचर को नहीं करना चाहिए कि आप उसको इनाम का प्रलोभन देके आपस में प्रतिद्वंद करें कि दोस्त अगर तुम लोग अगर ये पास होगे तो तुम्हें ये दिया जाएगा। दोस्तों ये नहीं करना चाहिए। आप हमेशा प्रलोभन देंगे तो बालकों के अंदर लालच की प्रवृत्ति आ जाएगी। कब तक आप दोस्तों उनको कोई भी प्रलोभन देंगे? दोस्तों कभी कभी ये होता है ना कि सेल्फ रिस्पेक्ट, अपनी इच्छा और अपनी यानी कि स्वयं अपने कार्य के अपनी इच्छा से अपने सम्मान के लिए भी कार्य करना चाहिए, अपने यानी कि भविष्य के लिए भी कार्य करना चाहिए, शिक्षा ग्रहण करना चाहिए। तो आप केवल प्रलोभन से ही बालकों को शिक्षा ग्रहण करवाएं तो ये उचित नहीं है दोस्तों। किसी भी प्रकार का आप प्रलोभन नहीं दे सकते बालकों को, ये गलत है दोस्तों। तो ये आपका उसकी उसका प्रलोभन दे के आप प्रतिद्वंदिता कराएं दोस्तों, खेल की बात अलग होती है, शिक्षा में नहीं दोस्तों, ठीक है? तो ये आपका गलत हो जाएगा। सी नेक्स्ट है, हिंदी न्यूज़ का नया बैच प्रारंभ दोस्तों, मात्र 999 रुपये में। जो बच्चे इस बैच ज्वाइन करना चाहते हैं इसका स्क्रीनशॉट ले लें। नेक्स्ट दोस्तों, गार्डनर के बहुबुद्धि के सिद्धांत के अनुसार वह कारक जो व्यक्ति के आत्मबोध हेतु सर्वाधिक योगदान देगा वह हो सकता है संगीतमय होगा, आध्यात्मिक होगा, भाषा विषय होगा या अंतर्व्यक्तिक। वेरी इंपॉर्टेंट है दोस्तों, वेरी इंपॉर्टेंट है। यूपी टेट और सी टेट में आपके एग्जाम में ये क्वेश्चन आया हुआ है, देखते हैं कौन सा बच्चा इसका आंसर देता है। कई बार ये पूछा गया है दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट है, जल्दी से आंसर दे। गार्डनर की बहुबुद्धि का सिद्धांत के बारे में अगर आपने पढ़ा है तो आप जरूर आंसर दे देंगे दोस्तों। गार्डनर की बहुबुद्धि के सिद्धांत अनुसार वह कारक जो व्यक्ति के आत्मबोध है तो सर्वाधिक योगदान देगा वह हो सकता है। क्या होगा दोस्तों? संगीत में नहीं होगा, आध्यात्मिक नहीं होगा, भाषा विषय नहीं होगा, अंतः व्यक्तित्व। तो दोस्तों डी इज द राइट आंसर। डी जिसने भी आंसर दिया बच्चों ने बिल्कुल सही आंसर दिया, डी इज द राइट आंसर, अंतः व्यक्तित्व होगा। नेक्स्ट है, आपकी कक्षा में कुछ बच्चे जो गलतियां करते हैं, इस परिस्थिति का आपके विश्लेषण के अनुसार इनमें से कौन सा कथन सर्वाधिक उपयुक्त है? बच्चों की बुद्धि में स्तर निम्न है, बच्चों की बुद्धि में स्तर निम्न है, बच्चों की अध्ययन में रुचि नहीं है और वे अनुशासनहीनता उत्पन्न करना चाहते हैं, बच्चों को आपकी कक्षा में प्रोन्नत नहीं करना चाहिए था, बच्चों ने अभी तक संकल्पनात्मक स्पष्टता प्राप्त नहीं की है तथा आपको अपनी शिक्षण विधि पर प्रयोग करना चाहिए। इस परिस्थिति आपके विश्लेषण के अनुसार इनमें से कौन सा कथन सर्वाधिक है? जल्दी से आंसर दें दोस्तों, क्या होगा? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सी टेट में आपका ऐसे ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं, गलत नहीं होना चाहिए। बहुत बढ़िया आंसर, बिल्कुल दोस्तों डी इज द राइट आंसर, बहुत सही आंसर दे रहे हैं आप लोग। बच्चों ने अभी तक संकल्पना स्पष्ट प्राप्त नहीं किए तथा आपको अपनी शिक्षण विधि पर और भी कार्य करना चाहिए और भी प्रभावकारी करना। दोस्तों जैसे क्या होता है, जैसे बाय द वे मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, अगर मैं इंटरेस्ट के साथ और दोस्तों रुचि के साथ अगर आपको नहीं पढ़ाऊंगा तो आप पढ़ेंगे? कभी नहीं पढ़ेंगे। तो दोस्तों ऐसा आप शिक्षण प्रदान करें, आपकी जो आपको जो टीचिंग करनी चाहिए ऐसा दोस्तों माहौल बनाना चाहिए जैसे कि बालक का ध्यान और कहीं ना भटके, पूरा ध्यान आपकी क्लास की तरफ रहे कि हाँ जो चीज़ें मैं समझा रहा हूँ वो बालक को समझ में आए। तो ऐसा दोस्तों आपको प्रभावकारी बनाना चाहिए अपना शिक्षण यानी टीचिंग मेथड आपका ऐसा यानी टीचिंग आपको ऐसी करनी चाहिए जिससे कि बालक क्या हो, प्रभावकारी हो, बालक का ध्यान इधर उधर ना हो दोस्तों। तो ये डी इज द राइट आंसर, बिल्कुल बढ़िया आंसर दिया आपने। नेक्स्ट है, बुद्धि अमूर्त विचारों के विषय में सोचने की योग्यता है, कथन है अमूर्त विचारों के विषय में सोचने की योग्यता किसका कथन है? वुडवर्थ का, वुड्रो का, गेट्स का या टर्मन का? वेरी इंपॉर्टेंट, यूपी टेट में आपके पूछा गया क्वेश्चन। यूपी टेट में दोस्तों ऐसे क्वेश्चन आएंगे, सी टेट में तार्किक क्वेश्चन आते हैं, मान लीजिए हो सकता है पूछ दे दोस्तों, और सुपर टेट में भी आ सकता है। क्या होगा? बुद्धि अमूर्त विचारों का वो है, जल्दी से आंसर दे दोस्तों, गलत नहीं होना चाहिए किसी भी बच्चे का, मेरे गलत नहीं होना चाहिए, जल्दी से आंसर दें। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया आंसर आ रहा है दोस्तों, डी इज द राइट आंसर। वुडवर्थ नहीं होगा, गुडरो नहीं होगा, गेट्स नहीं होगा, टर्मन, डी इज द राइट आंसर। बुद्धि अमूर्त विचारों के विषय में सोचने की योग्यता है, कथन किसने दिया था?
टर्मन ने दिया था दोस्तों, टर्मन ने ये दिया था आपके, डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है ये आपके यूसी नेट का पेपर फर्स्ट दोस्तों कंप्लीट कोर्स, नया बैच प्रारंभ हो गया है, आप लोग ये बैच ज्वाइन कर सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं इसका। बहुत बढ़िया, नेक्स्ट है दोस्तों गिलफोर्ड का बुद्धि संबंधी सिद्धांत है, गिलफोर्ड का बुद्धि संबंधी सिद्धांत था एक तत्व सिद्धांत, त्रिआयामी सिद्धांत, बहुतत्व सिद्धांत, द्वितत्व सिद्धांत, कौन सा होगा दोस्तों? गिलफोर्ड का पूछ रहा है, यूपी टेट का आपका है, बहुत इंपॉर्टेंट है, गलत नहीं होना चाहिए मेरे किसी भी बच्चे का, सी टेट में भी आ सकता है और सुपर टेट में भी। क्या होगा? बुद्धि संबंधी सिद्धांत किसने दिया था दोस्तों? क्या होगा? गलत नहीं होना चाहिए किसी भी बच्चे का। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया आंसर आ रहा है दोस्तों। गिलफोर्ड का बुद्धि संबंधी सिद्धांत क्या था? त्रिआयामी सिद्धांत था। कौन सा था? त्रिआयामी सिद्धांत, बी इज द राइट आंसर। जिसने भी बी आंसर दिया बहुत अच्छा आंसर दिया, एक तत्व सिद्धांत नहीं होगा, बहुत अच्छे त्रिआयामी सिद्धांत, बी इज द राइट आंसर गिलफोर्ड ने। नेक्स्ट, निम्न से व्यक्तिगत विभिन्नता के प्रकार है, व्यक्तिगत विभिन्नता, ध्यान से क्वेश्चन पढ़िएगा, पूछ रहा है व्यक्तिगत विभिन्नता के प्रकार है, शारीरिक विभिन्नता, मानसिक विभिन्नता, संवेगात्मक विभिन्नता, उपरोक्त सभी। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कर लीजिएगा दोस्तों, यूपी टेट में आपके पूछा गया क्वेश्चन है, सी टेट और सुपर टेट में भी आ सकता है। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, जल्दी से आंसर दें, गलत नहीं होना चाहिए किसी बच्चे का, गलत नहीं होना चाहिए, जल्दी से आंसर दें। क्या होगा? व्यक्तिगत क्वेश्चन ध्यान से पढ़िएगा, व्यक्तिगत विभिन्नता पूछ रहा है, व्यक्तिगत विभिन्नता के प्रकार हैं, क्या होगा? बहुत बढ़िया आंसर आ रहा है, बहुत बढ़िया, शारीरिक विभिन्नता भी होगा, मानसिक विभिन्नता भी होगा, संवेगात्मक विभिन्नता भी होगा, यानी उपरोक्त सभी, डी इज द राइट आंसर। जिस बच्चे ने डी दिया बहुत अच्छा। व्यक्तिगत विभिन्नता दोस्तों, व्यक्तिगत व्यक्ति के अंतर कई विभिन्नताएं होती हैं, शारीरिक, मानसिक, संवेगात्मक, सारी विभिन्नताएं होती हैं, तो ये चीज सही है, डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है दोस्तों, व्यक्तिगत विभिन्नता का आधारभूत कारण है क्या है? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, क्या होता है व्यक्तिगत विभिन्नता का आधारभूत कारण? वंशानुक्रम होगा, जात प्रजाति देश होगा, आयु व बुद्धि होगा, लिंग भेद होगा, क्या होगा दोस्तों? जल्दी से आंसर दें, वेरी इंपॉर्टेंट, क्या होगा व्यक्तिगत विभिन्नता का? ये आपके यूपी टेट में पूछा गया क्वेश्चन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कर लीजिएगा, सी टेट में भी आ सकता है और सुपर टेट में भी। जल्दी से आंसर दें दोस्तों, गलत नहीं होना चाहिए मेरे किसी भी शेयर का, गलत नहीं होना चाहिए, जल्दी से आंसर दें। क्या होगा? व्यक्तिगत विभिन्नता का आधारभूत कारण है। बहुत ही बढ़िया, बहुत बढ़िया आंसर आ रहा है, वेरी गुड दोस्तों। वंशानुक्रम क्या होता है? जेनेटिक, व्यक्तिगत विभिन्नता का कारण क्या होता है? वंशानुक्रम होता है दोस्तों। कभी कभी क्या होता है कि जो जेनेटिक होते हैं, वंशानुक्रम होता है, जैसे कभी कोई बच्चा लंबा हो गया, कभी कोई बच्चा छोटा हो गया, तो वो दोस्तों हमारे वंश का, यानी कि हमारे पूर्वजों का, हमारे पर लक्षण का होता है, जैसे कि हमारे पिता का लक्षण, हमारे माता जी का लक्षण, हमारे दादाजी का लक्षण, वंशानुक्रम होता है ना। कभी कभी कोई बच्चा लंबा हो जाता है, कोई छोटा हो जाता है, कोई काला काला गोरा, ये वंशानुक्रम विभिन्नता का आधारभूत होता है दोस्तों। ये वंशानुक्रम के कारण होता है, एनवायरमेंट के कारण होता है, तो ये पहला इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है दोस्तों, ये आरओआरओ समीक्षा अधिकारी सहायक समीक्षा कंप्लीट कोर्स मात्र 2499 में, डेली वीडियो क्लासेस, चैप्टर वाइज टेस्ट, ऑफलाइन डाउनलोड भी आप कर सकते हैं, सारे बच्चे ज्वाइन कर सकते हैं इसको। इस सर्वे ऑफ द एजुकेशन ऑफ द गिफ्टेड चिल्ड्रन, पुस्तक के लेखक कौन थे? स्किनर थे, क्रोएम क्रो थे, टर्मन थे, या हैविंग हस्ट थे दोस्तों, कौन थे? इस सर्वे ऑफ द एजुकेशन ऑफ गिफ्टेड चिल्ड्रन पुस्तक के लेखक कौन थे? जल्दी से आंसर दें दोस्तों, गलत नहीं होना चाहिए, सभी बच्चे जल्दी से आंसर बताएं। बहुत बढ़िया आंसर आ रहा है, क्या बात है, बहुत बढ़िया। इस सर्वे ऑफ द एजुकेशन ऑफ द गिफ्टेड चिल्ड्रन पुस्तक लिखे, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था दोस्तों। हैविंग हस्ट थे दोस्तों, कौन थे? हैविंग हस्ट थे, 4 इज द राइट आंसर, डी इज द राइट आंसर। बहुत बढ़िया, नेक्स्ट है काजल, काजल पाल हर पाठ को बहुत जल्दी सीख लेती है, जबकि रुचि उसे सीखने में ज्यादा समय लेती है,
यह विकास सिद्धांत को दर्शाता है, व्यक्ति विभिन्नता, अंतर संबंध, निरंतरता, समान। देखिए दोस्तों, ये तार्किक क्वेश्चन है, तो ये तार्किक क्वेश्चन आपका किसमें पूछा गया है? सी टेट में पूछा गया है। किसमें पूछा गया है? सी टेट में पूछा गया है दोस्तों। टेट और सुपर टेट में भी ये आ सकता है। तर्क है दोस्तों, थोड़ा सा संभल के आंसर दीजिएगा। सारे बच्चे जल्दी से आंसर दें, क्या होगा? काजल पाल हर पाठ को बहुत जल्दी सीख लेती है, जबकि रुचि उसे सीखने में ज्यादा समय लेती है। यह विकास सैद्धांतिक दर्शाता है किसका? व्यक्तिगत विभिन्नता का दोस्तों। बहुत ही अच्छा, यानी कि उसका माइंड क्या है? तेज है। वो चीजों को क्या करती है? जल्दी सीख जाती है दोस्तों। तो क्या है ये? व्यक्तिगत विभिन्नता कहलाता है। ए इज द राइट आंसर। बहुत बढ़िया। नेक्स्ट है दोस्तों, एक अध्यापक किसी भी समूह के समुदाय पर आधारित व्यक्तिगत विभिन्नताओं को समझ सकता है। आंखों के संपर्क के आधार पर, बुद्धि के आधार पर, भाषा एवं अभिव्यक्ति के आधार पर, गृह कार्य के आधार पर। एक अध्यापक किसी भी समूह के समुदाय पर आधारित व्यक्तिगत विभिन्नताओं को समझ सकता है। किसके आधार पर समझेगा दोस्तों? जल्दी से आंसर दें, गलत नहीं होना चाहिए मेरे किसी भी बच्चे का। जल्दी से आंसर दें, क्या बात है? बहुत बढ़िया आंसर आ रहा है। बहुत बहुत अच्छा क्वेश्चन भी है दोस्तों, वेरी इंपॉर्टेंट। बहुत अच्छा आंसर आ रहा है। आंखों के संपर्क के आधार पर कि बुद्धि के आधार पर? कुछ बच्चे बुद्धि बता रहे हैं, कुछ है। बहुत बढ़िया। कह रहा है दोस्तों, एक अध्यापक किसी भी समूह के समुदाय पर आधारित व्यक्तिगत विभिन्नता को समझ सकता है। आंखों के संपर्क आधार पर नहीं, बुद्धि के आधार पर नहीं, गृह कार्य के आधार पर नहीं, भाषा एवं अभिव्यक्ति के आधार पर। सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है दोस्तों, ये आपके यूपी पुलिस कांस्टेबल का नया बैच प्रारंभ हो गया है, कंप्लीट कोर्स। महाबजट ऑफर है दोस्तों, आप ये बैच ज्वाइन कर सकते हैं सारे बच्चे। चोरी करना पाप है, अनैतिक है, यह कौन कहता है? बहुत बढ़िया क्वेश्चन है दोस्तों, वेरी इंपॉर्टेंट। इदम, ईगो, अहम, सुपर ईगो, पराहम या कोई नहीं? वेरी इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ये आपके क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट है। यूपी टेट में आपके क्वेश्चन ये आया हुआ क्वेश्चन है दोस्तों, सुपर टेट में भी आ सकता है दोस्तों। जल्दी से फास्ट आंसर दें सारे बच्चे। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों, बहुत बढ़िया। चोरी करना पाप है, अनैतिक है, यह कौन कहता है दोस्तों? बहुत बढ़िया, जल्दी से आंसर दें सारे बच्चे। अगर आपने हिंज की स्टोरी पढ़ी होगी, अब याद आ गया होगा दोस्तों, हिंज की स्टोरी अगर आपने पढ़ी होगी तो आपको याद होगा कि हिंज की स्टोरी में क्या होता है कि उसकी वाइफ क्या होती है? बहुत ही ज़्यादा क्या होती है? बीमार होती है। क्या होती है? बहुत ज़्यादा बीमार होती है, और उसे जिस दवा की आवश्यकता होती है वह एक एक व्यक्ति के पास होती है। वह दवा किसके पास होती है? एक व्यक्ति के पास होती है, और वह दवा, उस दवा का वह व्यक्ति मूल्य कितना बताना है? चार गुना अधिक बताता है। कितना बताता है? चार गुना अधिक बताता है। अब उस व्यक्ति के पास दो रास्ते थे, या तो वो दवा चोरी करे, या तो दोस्तों वो अपनी पत्नी को मरने दे। ये था उसका, तो ये बताइए तब उसने क्या डिसीजन लिया? उसने डिसीजन लिया कि चोरी करके मैं अपनी पत्नी की जान बचाऊंगा। तो वही टॉपिक है आपका, बहुत अच्छा टॉपिक था। तो उसमें है, बताइए क्या होगा? इदम होगा, ईगो होगा, अहम होगा, या सुपर ईगो होगा, या कोई? दोस्तों चोरी करना पाप है, अनैतिक है, यह कौन कहता है? सुपर ईगो, परा अहम। सुपर ईगो में बालक क्या होता है दोस्तों? इसमें यह होता है कि उसे ये मालूम हो जाता है कि भाई सुपर ईगो पर हमें इसमें चोरी करना, झूठ बोलना, ये सब क्या है? ये पाप है दोस्तों, गलत है। तो वो क्या है? हमारा सुपर ईगो है, हमारा परम। इसमें बालक को ये पता होता है कि भाई चोरी करना, झूठ बोलना, ये सब सारी चीज़ें क्या है? गलत है, इसलिए हमें ये नहीं करना चाहिए। तो सी इज द राइट आंसर, बिल्कुल सही आंसर थे आपने। नेक्स्ट है, शरीर रचना पर आधारित व्यक्तित्व के प्रकार किसने बताए? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। ट्रेशर व सेल्डन ने, हिप्पोक्रेटस ने, जुंग ने, या एडलर ने? वेरी इंपॉर्टेंट कर लीजिएगा, यूपी टेट में आपके आया हुआ क्वेश्चन है दोस्तों। सुपर टेट में भी आ सकता है और सी टेट में भी आ सकता है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, शरीर रचना पर आधारित व्यक्तित्व के प्रकार किसने बताए? शरीर रचना पर आधारित व्यक्तित्व के प्रकार पूछ रहा है दोस्तों, गलत नहीं होना चाहिए किसी भी बच्चे का।
बहुत बढ़िया आंसर आ रहा है, बहुत बढ़िया। शरीर रचना पर आधारित व्यक्तित्व के प्रकार किसने बताए? वाह, बहुत अच्छा आंसर आ रहा है सारे बच्चों का, बहुत बढ़िया आंसर आ रहा है। कह रहा है दोस्तों, शरीर रचना पर आधारित व्यक्तित्व के प्रकार किसने बताए? तो एडलर तो होगा नहीं, एडलर तो होगा नहीं दोस्तों, जुंग तो होगा नहीं, हिप्पोक्रेटस तो होगा नहीं, क्रेस्मर व सेल्डन, बी इज द राइट, ए इज द राइट आंसर। बहुत अच्छा आंसर दिया आपने, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था ये, आपके एग्जाम में यूपी टेट में पूछा गया था दोस्तों। क्या गया? यूपी टेट में पूछा गया था दोस्तों। आपको मालूम होगा कि आपके यूपी टेट का नोटिफिकेशन बहुत ही जल्द आने वाला है, तो दोस्तों अभी से आप तैयारी करना प्रारंभ कर दीजिए। जितना जल्दी से जल्दी आप तैयारी करेंगे दोस्तों, उतना आप सफलता के करीब पहुंचेंगे दोस्तों। और दोस्तों, प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन लगाने का फायदा क्या है? प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन लगाने का आपको दो फायदे होते हैं। क्या होते हैं दोस्तों? दो फायदे होते हैं। पहला है आपका टाइम मैनेजमेंट। पहला क्या है दोस्तों? टाइम मैनेजमेंट, आपका टाइम मैनेजमेंट। आपको दोस्तों कहाँ पे कितना समय देना है ये आपको पता चल जाता है कि हमें भाई कितना समय देता है, कहाँ एक घंटा देना, आधा घंटा, कितना। तो ये चीज़ें आपको टाइम मैनेजमेंट पता चल जाती है दोस्तों कि हमें किस सब्जेक्ट में कितना देना है। हिंदी में हमें कितना देना है, मैथ में हमें कितना समय देना है, हमें ईवीएस में कितना समय देना है, हमें सीडीपी पे कितना समय देना है, हमें अपनी लैंग्वेज पे कितना समय देना है। तो ये आपके पांच पोर्शन हो जाते हैं, 1, 2, 3, 4 और 5। ये आपके 5 पोर्शन हो जाते हैं दोस्तों। इसमें आपको मालूम हो जाता है कि हमें किस पे, किस पोर्शन पे कितना समय देना है। ये आप किससे सीखते हैं? प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन से सीखते हैं। और आपके पास अच्छा खासा दोस्तों क्या हो जाता है? क्वेश्चन बैंक तैयार हो जाता है, अच्छा खासा क्वेश्चन बैंक आपके पास। सोचिए अगर आप पर डे दोस्तों 50 या 150 क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं, पर डे आप अगर मान लीजिए 85 क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं, तो 30 दिन में आपका कितना होगा दोस्तों? 50 × 3 = 1500 क्वेश्चन आपके तैयार हो गए दोस्तों। कितने तैयार हो गए? 1500 क्वेश्चन आपके तैयार हो गए एक महीने में। तो कितना अच्छा कलेक्शन। और आप जानते हैं कि यूपी टेट हुआ, सुपर टेट हुआ या सी टेट हुआ, इसमें प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन हमेशा पूछे जाते हैं दोस्तों। तो क्यों ना हम अभी से अपनी तैयारी प्रारंभ कर दें दोस्तों। अभी से अपनी आप तैयारी करेंगे तो सफलता आपको 100% मिलेगी दोस्तों। इसीलिए दोस्तों मैं बीच बीच में आपका प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन सॉल्व करवाता रहता हूं, जिससे कि आपकी प्रैक्टिस बनी रहे, चीज़ों को आप भूलें ना, और आपको ये भी पता चले कि आप कितने पानी में हैं दोस्तों। ये सारी चीज़ें आपको मालूम होनी चाहिए। इसलिए दोस्तों प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट है आपके लिए। प्रीवियस क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान रखिएगा दोस्तों, ठीक है। नेक्स्ट दोस्तों, ये आपके नितिन सर के द्वारा हैंड राइटिंग लिखी गई पुस्तकें, सारी पुस्तकें बहुत इंपॉर्टेंट है। प्राचीन इतिहास हो गए, मध्यकालीन इतिहास, आधुनिक इतिहास, सामान्य हिंदी, भारतीय राजव्यवस्था, बायोलॉजी, केमिस्ट्री, फिजिक्स, दोस्तों सारी पुस्तकें आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप किसी भी कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं तो आप इस पुस्तक को ले सकते हैं। एक बार आप सभी इनका स्क्रीनशॉट खींच लीजिए दोस्तों, आपके लिए बहुत लाभकारी है, सभी लोग खींच सकते हैं स्क्रीनशॉट। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, कल फिर मिलेंगे बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ। तो दोस्तों आज की वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करिएगा। तब तक के लिए दोस्तों राधे राधे, जय श्री कृष्ण दोस्तों, और जय हिंद दोस्तों।